कि माओवादी बेहद अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के लिए स्कूल भी संचालित किया। माओवादियों के पढ़ाए गए स्कूल का एक छात्र मिला। पढ़ते हैं? नहीं, नक्सलियों का किताब नहीं पढ़ते थे। फिर परीक्षा लेते हैं क्या? कितने लोग? 50-40 तक पढ़ते हैं। 50-40 तक? बोल रहा हूँ कि जैसे स्कूल नक्सली का ही था ना, नक्सली संगठन में भर्ती हो गए। बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद ने एक अपना एक अलग साम्राज्य बनाकर रखा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। इस दौरान समय समय पर माओवादियों के अलग अलग स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती रहती है, कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसी कहानियों में एक कहानी ये भी है कि माओवादी बेहद अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के लिए स्कूल भी संचालित किया करते हैं। कहानी सुनिए। बहुत मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी माओवादियों के स्कूल तक मैं जाऊं, देखूं कि कैसी स्कूल संचालित करते हैं माओवादी। हालांकि आज तक कभी जा नहीं पाया, लेकिन आज मुझे माओवादियों के पढ़ाए गए स्कूल का एक छात्र मिला है, तो मुझे लगा उस छात्र से ही बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अबूझमाड़ के इलाके में अंदरूनी इलाके का एक बच्चा आज नारायणपुर में मुझे मिला है। हालाँकि ये दुखद है कि इसके पूरे परिवार को माओवादियों ने गाँव से बेदखल कर दिया है। बातचीत में ही इन्होंने बताया कि पढ़ाई किया है, कहाँ से पढ़ाई किया है, सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? रेनू। रेनू? हाँ। रेनू, आप कौन से गांव से हो? मुरसुल नापा। मुरसुल नापा। मुरसुल नापा जी। अच्छा, किधर पड़ेगा ये? आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, किधर पड़ेगा मुरसुल नापा? कोयलवेड़े से नारायणपुर के अंदर में। तो रेनू, ये बताओ कि आप पढ़ाई वढ़ाई की हो? जी। कहाँ तक पढ़ाई की? जंगल में पढ़ाते। नहीं, कौन से कक्षा तक? कौन से कक्षा तक पढ़े हो? दूसरी। दूसरी? और कौन सा है? सरकारी स्कूल में पढ़े हो? नहीं, माओवादी स्कूल में पढ़ा। माओवादी स्कूल में पढ़े? तो कैसा रहता है माओवादियों का स्कूल? स्कूल जंगल में रहता है। जंगल में? तो कैसा, ऐसे बिल्डिंग विल्डिंग टाइप का? नहीं, झोपड़ी रहता है। झोपड़ी? और उसमें क्या ऐसा स्कूल ड्रेस देते हैं? ड्रेस नहीं देते हैं, पैंट देते हैं। क्या देते हैं? पैंट। और पैंट मतलब स्कूल पैंट? अच्छा, पैंट देते हैं। और ऐसे वाला देते हैं। तो उसका रंग कैसा रहता है? ऐसे रहता है। अच्छा, यही रंग रहता है जैसे सरकारी स्कूल का? सरकारी स्कूल। क्या क्या पढ़ाते हैं? दो एकम पढ़ाता है, एक दो पढ़ाता है, 12 काड़ी, सब कुछ पढ़ाता है। अच्छा, 5वीं तक पढ़ाता है। 5वीं तक? फिर परीक्षा लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। अच्छा, परीक्षा नहीं लेते? तो कैसे फिर पहली से दूसरी में कैसे जाते हैं? ऐसे ऐसे साल भर पढ़ा के दूसरी? जी। अब फिर पहली में नहीं पढ़ेगा? जी जी। परीक्षा नहीं लेते? नहीं लेते। तो पढ़ाता कौन था आप लोगों को? मैंने। मैंने कौन? गुंदुल का मैंने। गुंदुल का मैंने। वो नक्सली थी? हाँ, नक्सल थे। अभी कहाँ है वो? घर में जाता है, DRG वाले सरेंडर किया। अच्छा, वो सरेंडर कर? तो पहले वो पढ़ाती थी आप? जी जी। अच्छा, और एक ही मैंने पढ़ाती थी कि और भी कोई? कोई नहीं, एक ही पढ़े थे। और कितने बच्चे लोग पढ़ते थे? बहुत पहले पहले पढ़ता है। कितने लोग? 50-40 तक पढ़ता है। 50-40 तक? और कहाँ पे था स्कूल? ऐसे एक महीना एक जगह, एक महीना एक जगह, ऐसे जंगल। स्कूल बदलते रहते हैं? बदलते एक जगह नहीं? नहीं। तो क्या ऐसा कुछ लाड़ी उड़ी बनाते हैं मचान अचान बैठने के लिए? नहीं, ऐसे वैसे मतलब एक टेंट लेके। अच्छा, टेंट लगा? टेंट लगा। तो कितना दूर दूर में स्कूल चलाते हैं? जैसे गांव गांव, एक गांव का इधर ही रहेंगे एक महीना और दूसरा गांव में एक महीना। तो फिर बच्चे लोग दूसरा महीना कहाँ जाएंगे? उसका साथ जाएंगे बच्चे लोग, मैं जो गुरुजी उसके साथ मैंने के साथ। जी जी। अच्छा, तो वहाँ पे कभी नक्सली लोग आते रहे पढ़ाई होते देखने की? अच्छा, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? आता है, सब पढ़ाओ करो ऐसे बोलने से। नक्सली लोग आते थे? आते थे। तो क्या बंदूक लेके आते थे? बंदूक लेके आते। हाँ जी। और ये तो नक्सली लोगों का किताब भी पढ़ते थे कि खाली ये भी पहाड़ा और अनार का ऐसे पढ़ते थे? अनार का, अनार पढ़ता है। नहीं, नक्सलियों का किताब नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ाते थे? हाँ। क्या पढ़ा, कहानी सुनाते रहे कि माओवादी लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बताते रहे? अमी लोग बताते स्कूल रहता था ऐसे, वो नक्सली बताते हैं अमी लोग। प्रार्थना वार्थना करते स्कूल में? भर्ती हो जाओ ऐसे बोलते। कौन से स्कूल में? दलम का स्कूल। अच्छा, दलम के स्कूल में भर्ती हो बोलते थे?
तो दलम का स्कूल अलग है? हाँ। उसमें क्या पढ़ाते हैं? नहीं, वो नक्सल और दलम एक ही है। अच्छा, नक्सली और दलम एक ही है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे स्कूल नक्सली का ही था ना, जी पढ़ाती भी नक्सली थी मैनी, और जब वो पढ़ाती थी तो उसमें नक्सलियों का कुछ किताब भी पढ़ाते थे कि खाली ये अनार क्या और दो एकम दो पहाड़ा ये सब पढ़ाते थे? पहाड़ा ही सब पढ़ाते, नक्सली किताब नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते, ये ABCD यही सब पढ़ाते हैं? ऐसे पढ़ाते। अच्छा, संगठन में ज्वाइन होने के लिए बोलते रहे क्या? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगठन को बसे को ला देना, ऐसे बोलते हैं। संगठन को बसे को ला देना, स्कूल में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसे बोलते। अच्छा, नहीं जैसे तुम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद में आप लोग को बोलते थे कि अब चलो आप लोग भी नक्सली बनो? ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्सली संगठन में भर्ती हो गए बोलते। संगठन भर्ती हो गए? तो फिर आप क्यों नहीं गए संगठन में? मैं छोटे समय में आया हूँ, फिर घर या दान समय तो कहाँ भाग के आया हूँ, जंगल से भाग के वापस आ गए। तो नहीं तो आपको पढ़ाई करा रहे थे? तो उसी समय में उसको गुरु जी को DRG लेके गया। अच्छा, तो आप लोगों को पढ़ा रही थी तभी पकड़े क्या? जी, तो आप लोगों को नहीं, तो आप लोग पुलिस को देख के भाग के आ गए? भाग के आ गए, नहीं तो अभी संगठन में रहते ना। जी, नक्सली बन जा रहे थे। जी जी है? जी, ओ तो वहाँ मतलब क्या, जितने लोग पढ़ेंगे उनको नक्सली बनाना है? बनाना कौन कौन तो नहीं बनता। अच्छा, अपना मन है, बनना है तो बनो, नहीं तो नहीं बनो। जी, तो आपका क्या मन था? मन था संगठन जाने का? नहीं, मन नहीं था, इसलिए भाग के आ गए। जी जी, ये ड्रेस कौन दिया है? हम खरीदे बाद में। बाद में खरीदे। क्यों? अच्छा, ये अच्छा लगा ना, तब इसको हमेशा के लिए पहने? जी जी। और आपके गांव से कितने लोग थे नकली स्कूल में पढ़ने वाले? दो ही, सही नो और मैं गया था। दो ही लोग? वो ज़्यादा पढ़ता है। अच्छा, वो इंग्लिश भी जानता है। जिसको मार दिए तो वो नक्सली स्कूल में ही पढ़ा है? और उसके बाद भी उसको मार दिए? उसके बाद मार। अच्छा, और खाना वाना क्या देते रहे? देता है उन्हीं लोग, नक्सली लोग। और रुकने के लिए रात को कहाँ रुकना है? दरी रुकते हैं, वहीं रुकते हैं। तो रात को पानी वानी गिरने से? टेंट में लगा। तो डर नहीं लगता था? डर नहीं लगता। तो सब बच्चे लोगों को ले लेके मतलब इधर से उधर चलते रहते हैं ना? जी जी। ये महीना स्कूल यहाँ लगेगा, वो महीना स्कूल वहाँ लगेगा? जी जी। अच्छा, ठीक है। जी सर। तो ये रेनू भाई हैं जो माओवादियों के स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। दुखद यह है कि इनके बड़े भाई ने भी उसी माओवादियों के स्कूल से पढ़ाई की और अब उन्हीं माओवादियों ने इनके बड़े भाई की हत्या कर दी ना? जी सर। वही नक्सली मार दी? नक्सली मार दी। और आरोप लगा है? उसका ही काम करता हूँ हम लोग, फिर मार दिया हम लोग। कैसे उनका काम करते हैं मतलब? ऐसे सवाल उवाल जमा करके उसके लिए। अच्छा। उसके पास लेके जाए नक्सलियों के पास, फिर भी मार दिया? फिर भी मार दिया। तो ये भी एक पहलू है, देखिए कि उनका भाई जो है वो माओवादियों के लिए चावल इकट्ठा करता था और मतलब सबको करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि नक्सली था? नक्सली नहीं था, अगर होता तो इतने बेबाकी से स्वीकार नहीं करता, ठीक है। और बता रहा है कि भाई नक्सली बोल रहे हैं कि चावल इकट्ठा करो, तो किया। उस इलाके में स्कूल नहीं था तो उन्हीं के स्कूल में पढ़े और आज माओवादी ने उनको मार भी दिया। ये एक दुखद पहलू है। तो बस्तर इस तरह से बंदूकों के बीच फंसा हुआ है, बस्तर का यूथ फंसा हुआ है, आदिवासी फंसा हुआ है, लेकिन सबके बीच ये भी जानना था कि माओवादियों का स्कूल कैसे संचालित होता है। उसमें पढ़ा हुआ एक बच्चा मिला तो मुझे लगा आपको इनसे बातचीत करके वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूं। बातचीत पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।